एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आज का वीडियो है सारी हॉल फ्रॉम मिंत्रा। तीज आने वाली है, हरियाली तीज बीत चुकी है और हरितालिका तीज आने वाली है, तो इसलिए ये साड़ी ऐसी हैं जो आप इजीली तीज में पहन सकते हैं। कुछ भी ब्लैक नहीं है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन। हाँ, रेंज ये थोड़ी सी 1600 तक की साड़ीज़ हैं, कम भी हैं, 500 टू 1600 आई थिंक रेंज है। तो पहली बार मैं इतनी महंगी साड़ियाँ ला रही हूँ, मेरी साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 850 तक गई हैं जब भी मैंने हॉल किया है साड़ीज़ का। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं साड़ी हॉल फ्रॉम मिंत्रा। सबसे पहली जो साड़ी है ये है फ्रॉम द ब्रांड मितेरा, और बनारसी सिल्क साड़ी है ये, प्लेन साड़ी है। इमेज में देखने में ये रेड कलर की लग रही थी लेकिन ये रेड कलर की नहीं है, और रेड पिंक शेडेड, थोड़ा शिमरी शिमरी शेडेड काइंड ऑफ कलर है इसका। और क्या कलर है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये। ना मैंने बहुत टाइम देखा था लेकिन ये कभी भी 1000 आई थिंक 1100 तक गया था, लेकिन इस बार ये मुझे 700 कुछ में मिल गया तो मैंने फटाफट इसे ऑर्डर कर दिया। कुछ इस तरह की साड़ी है, ये पूरा बॉर्डर लगा है साड़ी पे, ये जरी वाला। जरी वाला बॉर्डर लगा हुआ है पूरी ही साड़ी पे। आप मटेरियल देखेंगे ना, अगर आपको स्क्रीन पे पता चले तो ये थोड़ा शाइनी पिंक रेड काइंड ऑफ शेडेड शेडेड सा कलर आता है इसका, और ये आंचल के पास इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। पूरी साड़ी प्लेन है ये, लेकिन प्लेन बोल के भी प्लेन नहीं है क्योंकि इसका कलर ही इतना वाइब्रेंट है, और प्लेन कलर भी नहीं है, मिक्स्ड कलर है, तो बहुत सुंदर लगता है। फैब्रिक सॉफ्ट है, ईजिली प्लेट्स बन जाएंगी, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और मितेरा बहुत अच्छा ब्रांड है ऑन मिंत्रा, तो मैंने एक और साड़ी मितेरा की मंगाई थी रेड कलर की, वो सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने जब जब उसको पहना है सब ने पूछा है कि ये साड़ी कहाँ से ली है, तो वो बहुत अच्छी साड़ी है नेट की। उसका भी मैंने वीडियो किया हुआ है लास्ट ईयर करवा चौथ स्पेशल साड़ी में, तो आप मैं को वो वीडियो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो पूरी साड़ी इस तरह की है। ये मैं नीचे का पोर्शन दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ जहाँ पे प्लेट्स बनती हैं वहाँ ये प्लेन है, और नीचे बॉर्डर है क्योंकि जो आपकी प्लेट्स में आती हैं वहाँ तक बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, उसके बाद से फिर यहाँ तक, और उसके बाद से फिर दोनों ही तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। साड़ी प्लेन है तो इसमें उतना कुछ है नहीं दिखाने को। ब्लाउज़ इसका बहुत ही सुंदर है, इसका हैवी ब्रोकेड का ब्लाउज़ है, बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ में भी इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, और पूरा जो ब्लाउज़ है वो ब्रोकेड का है, जरी वाला काम है और थिक मटेरियल है, बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ का कपड़ा दिया हुआ है। बस मुझे ना पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा कम है कपड़ा, शायद हो सकता है सिर्फ मुझे लग रहा है, नहीं कम नहीं है। तो ये जो बॉर्डर है आप अपने बैक पे या स्लीव्स में दिलवा सकते हैं, ये बहुत ही हैवी ब्लाउज़ बन के आएगा और बहुत सही लगेगा इसके साथ। मुझे बहुत बहुत पसंद आई ये साड़ी, और अंडर 750 आई थिंक 760 या 750 के अराउंड मुझे ये मिला था, एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो ये साड़ी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको कभी भी डेली वेयर में भी पहन सकती हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल है और बहुत सुंदर है। ये जो नेक्स्ट साड़ी है इसका कलर मुझे इतना पसंद आया है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत कलर है, फिरोज़ी कलर जो बोलते हैं ना, फिरोज़ी कलर, स्काई ब्लू का शेड, और शिफॉन की साड़ी है, पतली सी प्लेन। और इस तरह की ना प्लेन साड़ीज बहुत मिलती हैं, काफ़ी जगह मिल जाती है, लेकिन इसमें ना ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें ये इस तरह का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रफली इसको रबो प्रिंट बोलते हैं, पहले जब बहुत चला हुआ था ये वाला प्रिंट, तो ये उठा उठा सा इस तरह का प्रिंट किया गया है, और बहुत ही सुंदर है ये साड़ी। इस तरह की गोल्डन बॉर्डर दी गई है पूरी साड़ी में, पूरी साड़ी प्लेन है और ऐसी ही है। सच अ ब्यूटीफुल कलर एंड सच अ लवली साड़ी, सुपर सॉफ्ट है, शिफॉन है, कलर अमेजिंग है, और ये साड़ी मिली है मुझे 586 में। आई एम इन लव विद दिस, बहुत ही सुंदर साड़ी है, और 586 में तो बहुत ही अच्छी है। ओके, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ पीस भी दिया गया है, ये अलग से ब्लाउज़ पीस दिया गया है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ये भी वो ब्रोकेड वाला ही मटेरियल बोल सकते हैं इसको,
अच्छी खासी लेंथ है, इस आप आराम से 40 बस्ट इंच तक के लोगों को ये आ जाएगा ब्लाउज पीस, और मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। प्लस इसके साथ ये ब्लाउज पीस है एंड प्राइस वाइज इट्स जस्ट परफेक्ट। 586 में आपको इतनी सुंदर साड़ी, दैट टू विद ये एम्बेलिशमेंट और इतना सुंदर ब्लाउज पीस इज परफेक्ट। जो नेक्स्ट साड़ी है ये रेड कलर की साड़ी है, इससे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, इसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। जब आप फोटो देखते हैं मिंत्रा पे तो लगता है कि वाओ क्या साड़ी है, रेड हॉट कलर की साड़ी, प्लेन, जो कि गर्ल्स पहनना चाहती हैं जनरली, और कोई भी पहन सकता है, थोड़ा सा मॉडर्न लुक वाली साड़ी कुछ उस तरह की लगती है। और लुक तो है, आपको इसमें स्क्रीन में फिर भी थोड़ा वाइब्रेंट कलर दिख रहा है, लेकिन कलर इसका ना बिल्कुल पॉपिंग रेड जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा था वैसा नहीं है, थोड़ा सा डल रेड है। प्लस इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है, मतलब आई हैव पेड 1400 फॉर दिस, और 1400 के लिए ये जॉर्जेट बहुत ही चीप मटेरियल का जॉर्जेट है, पता नहीं ये कैसा मटेरियल मैं बताऊँ, बहुत ही सड़ा हुआ मटेरियल है 1400 के लिए। ये इन्होंने जो किनारा होता है वहाँ पे इस तरह की सिलाई की हुई है, ये सिला हुआ है तो चीप लग रहा है सिला हुआ। उसके बाद पूरी साड़ी प्लेन है, और इसका जो लुक है, जो मेन लुक आता है, वो आता है इस बॉर्डर से जो कि टासल्स वाले बॉर्डर हैं। ये देखिए ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है, चौड़ा सा इस तरह का टासल्स वाला बॉर्डर दिया गया है पूरी ही साड़ी में। मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से लुक समझ में आएगा। तो टैसल्स तो अच्छा है, ये वाला एरिया जो है ये अच्छा है, बट देन अगर साड़ी की बात करूं, ये प्लेन साड़ी है, अगर इससे लेस हटा दी जाए तो इस साड़ी के लिए मैं 300 से ऊपर नहीं पे करूंगी, इतना ख़राब इसका मटेरियल है। तो जस्ट 300 की साड़ी आती है, और अगर आप इसमें अलग से ये लेस लगाएं तो ये कहीं से भी 1400 का तो नहीं बनने वाला, बहुत ही बेकार मटेरियल है। पूरी साड़ी इस तरह की प्लेन है, और वही बॉर्डर में टासल्स लगाए गए हैं, कलर भी कुछ खास नहीं है, और ये है इसका ब्लाउज़ का मटेरियल, बस यही है इसका ब्लाउज़ का मटेरियल, कुछ भी नहीं है। ब्लाउज़ के लिए भी इन्होंने ये दे दिया है 3 लेयर्स वाला टासल, और इसकी सिलाई भी बहुत बुरी है, ये देखिए पीछे जो वो लगा हुआ है ना, उससे पूरा सिलाई विलाई निकल रहा है, इस तरह का स्टिचिंग बहुत ख़राब है। और जब आप इसकी इमेज देखते हैं तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, बहुत सुंदर लगता है इमेज में, और जब आता है तो ये ऐसा निकलता है तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज टोटली नॉट वर्थ इट। 1400 में इसके लिए 500 भी ना पे करूँ, इतनी ख़राब इसकी कपड़े की क्वालिटी है, और जो लेस है उसकी स्टिचिंग भी बहुत ख़राब है। ब्लाउज़ के नाम पे इन्होंने इतना सा वही साड़ी वाला फैब्रिक दे दिया है, ज़रा सा लेस दे दिया है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये जबकि है फ्रॉम द ब्रांड इंडस, इस ब्रांड की साड़ीज़ काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, और फिर उसमें अगर आपको ऐसा मटेरियल मिलता है तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। ये जो लास्ट साड़ी है ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें 3 कलर्स आते हैं मिंत्रा पे, कॉफ़ी कलर, हाँ कॉफ़ी रेडिश ब्राउन कलर जो होता है, वो स्टिच की हुई है ये साड़ी, यहाँ से थ्रेड लगा हुआ है, देन ये डार्क ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। इसका ब्लैक कलर बहुत सुंदर है, लेकिन तीज में आप ब्लैक नहीं पहन सकते, इसलिए मैंने ये डार्क ग्रीन मंगाया, क्योंकि मेरे पास डार्क ग्रीन कलर की कोई साड़ी भी नहीं है। जस्ट लुक एट द कलर, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर। साड़ी की अब सीक्वेंस फिर से ट्रेंड में आ गया है, तो आपके पास अगर बहुत पहले की सीक्वेंस की साड़ी रखी हुई है और आप पहन नहीं पा रहे तो अब आप पहन सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस फिर से ट्रेंड में है ना। इसमें ये ब्लाउज़ जो दिया गया ये भी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर का बैंगलोरी सिल्क का ब्लाउज़ दिया गया है, जो ब्लाउज़ पे ये एम्ब्रॉयडरी है, तो ये जब आपका ब्लाउज़ बनेगा तो ये फुल हैवी ब्लाउज़ बनेगा। देखिए यहाँ पे ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है आगे के लिए, पीछे की तरफ, और स्लीव्स हर जगह के लिए एम्ब्रॉयडरी दी गई है। अच्छा खासा मटेरियल दिया गया है, 40 बस्ट तक के लोगों को इजीली आ जाएगा, और कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत आएगा इसके साथ ये गोल्डन ब्लाउज़। लेकिन मुझे पहनना होगा तो मैं इसके साथ डार्क ग्रीन ब्लाउज़ ही पहनना पसंद करूँगी, मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अभी चल रहा है कोरोना का टाइम और अभी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं बाहर जाके इसी कलर का ब्लाउज़ के लिए मटेरियल लेके आती। सो साड़ी की फैब्रिक है जॉर्जेट, और अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट है, सॉफ्ट है कलर,
मुझे कलर इतना प्यारा लग रहा है। अब डिज़ाइन जो है वो इस देखिए पूरी साड़ी में इस तरह के लेयर्स में ये सीक्वेंस दिया गया है पूरी ही साड़ी में, और चीप नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए इस तरह का सीक्वेंस और फिर जरी का काम है, ये कितना शाइन कर रहा है। पूरी साड़ी में इस तरह से लेयर्स लेयर्स में फुल साड़ी में दिया गया है ये वर्क, और नीचे है बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत सा कटआउट वाला, कटआउट डिटेल वाला बॉर्डर है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गया है बट इट्स फाइन, इस तरह का बॉर्डर है। पूरी साड़ी इसी तरह की है, और फिर जहाँ पे आपकी प्लीट्स बनना ख़त्म होती हैं वहाँ से इस तरफ भी बॉर्डर दिया गया है, और पूरी ही साड़ी में फुल एम्ब्रॉयडरी है सीक्वेंस की। और ये देखिए अगेन बॉर्डर के आंचल में भी इस तरह का लेस दिया गया है पूरी ही साड़ी में। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, कलर अमेजिंग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन सुपर्ब है। हाँ, इसके लिए पे किया है मैंने 1608 रुपीज़। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप इस साड़ी के लिए आराम से 2500 तक पे करेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा ही पे करेंगे। तो ऑनलाइन आपको फैसिलिटी मिलती है डिस्काउंट की, और ये है फ्रॉम द ब्रांड सुगाथारी कुछ इसी तरह का प्रोनाउंस करते हैं। इस ब्रांड की भी साड़ीज़ बहुत अच्छी हैं, मुझे इनके सारे डिज़ाइंस पसंद आए। अगर आपको तीज में नहीं पहनना है तो मैं बोलूँगी आप ब्लैक कलर मंगाइए, ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत कॉकटेल वाला, कॉकटेल पार्टी वाला लुक आता है ब्लैक कलर वाली साड़ी में। सो मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है 1608 रुपीज़ के लिए, टोटली वर्थ इट। इसका ब्लाउज़ भी हैवी है तो मुझे बहुत पसंद आया। आई होप आप लोगों को ये सारी साड़ीज़ पसंद आई होंगी, मुझे तीन साड़ीज़ बहुत अच्छी लगी हैं। रेड वाला थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन बाकी तीनों 10/10, मुझे किसी में कोई भी शिकायत नहीं है कि हाँ फैब्रिक ख़राब है या डिज़ाइन ख़राब है या कुछ में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्राइस वाइज सब कुछ तीनों परफेक्ट हैं, तीनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मैं रेड वाले का भी लिंक डाल दूँगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं बोलूँगी ना ही लें आप, तो अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो। और आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सारे पिक्चर्स मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और रेड वाली जिस साड़ी की मैंने बात की थी उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।